अभी जैसे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो मैंने यहाँ पे जो कुछ उगा था वो सब साफ करके अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी मेथी या धनिया, कुछ भी ऐसा। तो ये जो मिंट ग्रो हो रहा है, ये ऑरिगानो है, ये मिंट है, इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि यहाँ पे भी मिंट अच्छे से ग्रो हो जाए ना। काफ़ी मेसी हुआ है। तो मिंट को ग्रो करने का ना मैंने एक देखा है कि आपका ऐसे मिंट हो गया है ना, इसको आप ऊपर से काट दो तो वो बहुत ही अच्छा बाद में ग्रो होता है। जैसे आप अभी पता है कि यहाँ से नहीं होगा, तो यहाँ से आप नीचे से ऐसे काट दो इसको, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा फिर ग्रो होगा। क्योंकि जो रूट्स हैं वो तो वही हैं। तो मिंट का एक और भी है कि इसको पानी बहुत चाहिए, तो इसको कोशिश करें आप कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालें। मैं आपको अपडेट करूँगी कि ये कैसे ग्रो हुआ है। मैं रूट्स को नहीं निकालूँगी, ऊपर से ऐसे कट कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे पता है कि ये और ज़्यादा री ग्रो तो नहीं होने वाला। पहले भी मैंने ऐसे ही किया था तो काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ। जैसे ये है अभी ये किसी को अगर पता है, आइडिया है कि ये जो है ये वाला, ये कैसे स्टॉप किया जाए ग्रो होने से, तो मुझे बताना, एनी आइडिया। मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है, इसकी जो स्मेल तो नहीं है लेकिन डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ा था लेकिन अभी इसका ऐसे होने लग गया है कि ये टूट रहा है। मैंने इसको रीग्रो किया, इट रियली ग्रो वेल। तो एक सोल्यूशन तो मिला कि अगर आप इसको दोबारा ग्रो कर देते हो तो ये रियली अच्छा ग्रो होता है। इसकी मैं चटनी बनाऊंगी ताकि 3-4 दिन चल जाए, और तब तक इसको पानी डालूंगी तो ये और हो जाएगा। मैं आपको पक्का अपडेट करूंगी कि कैसे ये रीग्रो हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मिस आउट ना करें। इतना हो गया। ये बे लीव्स का पौधा लगाया था मैंने, बहुत इतना सा था, छोटा सा, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। द गुड थिंग इज इसको अगर मैं 5-6 पत्तियाँ सब्जी में डालूं तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है।
अगर आप पिज़्ज़ा बनाते हो, पास्ता बनाते हो घर पे बच्चों के लिए, तो बेस्ट है ये ऑर्गेनो जो है ना, पक्का ग्रो करो घर पे। इससे क्या होता है कि आप ड्राई करके रख लो, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, वॉश करो और उसको धूप में रख दो, तो उससे बहुत ही अच्छा लाइक टेस्ट आता है। एक तो घर की होती है, फ्रेशनेस रहती है उसमें, है ना। तो आप ट्राई करना, एक पौधा अगर आप लगा दोगे ना तो बस दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही होता रहता है। ऊपर से काट लो, जैसे मिंट है उसी तरह से। घर पे ग्रो करना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारा काम भी रहता है। अगर आप वर्किंग हो, काम कर रहे हो, जॉब 9 to 5,